watching Exposed India. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सरकारी बंगले में तोड़फोड़ को लेकर छिड़ी बहस के बाद बुधवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां वो टोटी लेकर पहुंचे। ये देखकर सभी हैरान रह गए। अखिलेश ने कहा कि जो टोटी गायब मिली है वही लौटाने आए हैं, मैं सारी टोटियां देने को तैयार हूं, ये टोटी बीजेपी को देना चाहता हूं ताकि उनकी नफरत कम हो। अखिलेश ने ये भी कहा कि सीएम आवास में भी बहुत सारे मेरे सामान हैं, वो सब लौटा दे सीएम। और टोटी इसलिए लेके आया हूं कि अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोटी मैं लेके चला गया हूं, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूं, पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूं। और जहां तक सवाल घर का है, हर इंसान घर अपने मन से बनाता है और जब घर में रहने लगता है तो घर से लगाव हो जाता है उसको, और हर इंसान घर अपनी पसंद से बनाता है। और कम से कम मुझे अपनी पसंद किसी और को नहीं बतानी है, मेरी पसंद क्या है। और मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आज से नहीं, मैं बचपन से जानता हूँ कि अगर कोई अपनी ख्वाहिश है, अपनी पसंद है, तो मैं दूसरों के पैसे पे पूरी नहीं कर सकता। देखिए, मैं ये चाहूंगा, मैं समझता हूँ गवर्नर साहब को जब पूरी जानकारी हो जाएगी तो आपको वो बता देंगे कि क्या सच्चाई है। दूसरी बात यह है कि बंगला हमारा बड़ा हाईलाइट है, हमारी हर चीज हाईलाइट है, क्या करें उसके लिए। एक्सप्रेसवे बनाया तो उसकी तारीफ है, बस स्टैंड बनाया उसकी भी तारीफ है, आप मेट्रो देख लिए उसकी भी तारीफ है कि नहीं तारीफ, आप बताओ, खुद बताओ आप। तो अगर तारीफ है तो मैं ये चाहता हूं ये सबसे अच्छा बंगला है। हम हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जज साहब है उनका परमानेंट घर ये बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के पेड़ हैं ये सरकारी लोग पेड़ नहीं पसंद करेंगे, जिनके छोटे दिल हैं ये पेड़ नहीं पसंद कर सकते, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है, वहां फलों का बगीचा है, मैंने लगाया खुद, क्योंकि बच्चे जाने के फल क्या होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर भी साइंस है एक तरीके से। कब फ्लावर कौन सा पेड़ करेगा वो पेड़ लगाए मैंने, कौन सा चंपा लगनी है, कौन सा क्या लगना, ये ज्ञान नहीं है उनमें। अरे मैं क्या तो कहता हूं सरकार वाले नाम गिना दें पेड़ों के, हम उन्हें नाम गिना देंगे। तो हमने उसको सजाया पेड़ों से है, घर बनता है रहने वालों से अच्छा, और सुंदरता आती है जब हरियाली और पेड़ पौधे होते हैं, उससे सुंदरता आती है, सामान से सुंदरता नहीं आती है, ये बात समझ लीजिए सरकार वाले लोग।